अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमजा है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। तो पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? एक हमारे पास ब्रैकेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आपको मैट्रिक्स। एक ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर हो सकते हैं, 1, 2, 3, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ए बी सी जी तक। तो ये सारे नंबर इनक्लोज इन दीज ब्रैकेट्स इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि ये सारे नंबर, कोई भी नंबर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करने को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, यानी कि ए बी सी। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो मेंबर इसके होते हैं, वो या तो 1, 2, 3, 4 होते हैं या फिर ए बी सी स्मॉल में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक मैट्रिक्स की। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये भी मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड जी, तो ये भी मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि इसको शो करते हैं, इसको नाम देते हैं कैपिटल ए बी सी। और इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम या तो नंबर होंगे या स्मॉल ए बी सी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी के आगे क्या है? इसके बाद आ जाता है हमारे पास रोज एंड कॉल। रोज एंड कॉल, तो एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, ये मैट्रिक्स है। तो इसके जो दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें, तो इनको कहेंगे हम रोज। ये दोनों क्या है? रोज। यानी कि राइट टू लेफ्ट जो हमारे पास लाइनें होगी, जो हमारे पास रो 1, 2, 3, 4, तो ये कहलाएंगी रोज। ये रो 1 और ये रो 2, ये रोज हो गई है। अब जो ऊपर से नीचे हमारे पास आएंगे, ये होंगे कॉल। ये क्या होंगे? कॉल, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो अब हमको रोज और कॉलम के बारे में पता चल गया होगा। दाएं से बाएं मींस राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास चीज होगी, जो भी हमारे पास ये नंबर लिखे हुए, इसको कहेंगे ये एक रो है और ये दूसरी रो है। अगर ऊपर से नीचे देखें तो ये हमारे पास होंगे कॉलम। इससे आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर मैट्रिक्स ये होता है, सबसे पहले उसमें देखते हैं रोज की कितनी तादाद है, कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। उसके बाद देखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक है हमारे पास 1, 2, 3, 4, तो सबसे पहले हम देखेंगे रोज कितनी है इसमें, कितनी रोज हैं, ये एक और ये दो रोज। फिर हम देखेंगे कॉलम कितने हैं इसके, कितने कॉलम हैं, एक दो कॉलम है। अब ऑर्डर लिखने का क्या तरीका है? ऑर्डर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रोज की तादाद, कितनी रोज है, तो दो रोज है। फिर उसके बाद लिखते हैं बाय, कितने कॉलम है, दो कॉलम, 2 by 2, इसका मतलब दो रोज दो कॉलम। एक और एग्जांपल से आपको इसकी वजाहत करता हूं। बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें चेक करते हैं कितनी रोज है, एक दो रोज, कितने कॉलम है,
एक दो तीन, तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू टू बाय, यानी कि टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो सिक्स आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक है, मैट्रिक्स है उसके छह मेंबर है, तो गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ, तो ऑर्डर शो करता है कि उसके अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अच्छा यूनिट वन का जो नेक्स्ट इससे अगला टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस, कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती है, तो ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, दूसरी है हमारे पास 2 4 -3 5, तो इसका ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर है दो रोज दो का, यानी 2 by 2, इसका ऑर्डर चेक करते हैं दो रोज दो का, यानी 2 by 2, इसका भी 2 by 2 है, इसका भी 2 by 2 है, तो हम कहेंगे A is equal to B, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, मेंबर भी इसके सेम होते हैं। अब चलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ, अच्छा इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि आपने ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है जिसके मेंबर आपस में इक्वल है, ठीक है, तो वो आपस में इक्वल होगी, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑर्डर लिखें, ठीक है, तो ऑर्डर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि रोज और कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, तो पहले आपने लिखना है रोज की तादाद, फिर आपने लिखनी है कॉलम्स की तादाद, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकता है, तो वो वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, क्वेश्चन क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन एंड फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस सेवन थ्री टू डी। तो जैसे हम पहले ऑर्डर में पढ़ चुके हैं कि ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में इक्वल होती है, ऐसी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में इक्वल होती है, तो इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम हैं, इसमें भी दो रोज हैं और दो कॉलम हैं, अगर मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो तो उसका हर एलिमेंट उसकी दूसरे मैट्रिसेस के हर एलिमेंट के इक्वल होता है, तो पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल होगा और चौथा चौथे के इक्वल होगा, तो इक्वल होते हैं पहले ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये देखिए पहला है, यहाँ पे पहला ये है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, यहाँ पे ये दूसरा है, यहाँ पे ये दूसरा है, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे ये तीसरा है और यहाँ पे ये तीसरा है, और लास्ट है फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी, यहाँ पे ये चौथा हो गया और यहाँ पे ये चौथा हो जाएगा, तो यहाँ से देखें सी की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि सी यहाँ पे अकेला है, C की वैल्यू निकालते हैं, C इज इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, अब देखें यहां से अगर माइनस सिक्स को उधर ले जाया जाए तो हो जाएगा प्लस सिक्स, प्लस टू डी है इधर आएगा तो माइनस टू डी बन जाएगा, सिक्स उसी तरह फोर डी में से टू डी निकलेगा तो टू डी बच जाएगा इज इक्वल टू सिक्स, टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा सिक्स बाय टू, और d की वैल्यू आ जाएगी टू थ्री टाइम कर जाएगा d इज इक्वल टू थ्री, डी की भी आ गई c की भी आ गई, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे c की जगह c की वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस c की वैल्यू क्या आई है फोर इज इक्वल टू जीरो, अब प्लस फोर है उधर जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई माइनस फोर, अब यहाँ पे a की जगह उसकी वैल्यू लिखता हूं माइनस फोर प्लस टू बी
इट्स इक्वल टू माइनस सेवन, माइनस फोर तो जाएगा तो प्लस फोर हो जाएगा, माइनस सेवन प्लस फोर। अब देखिए प्लस माइनस 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 होगा और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन, तो माइनस थ्री। टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो तो बी की वैल्यू आ जाएगी टू। अब चारों वैल्यूज आ गई हैं, अब चारों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आती हैं। वैसे हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है, अब वैल्यूज आ गई हैं यहाँ तक पे की गई, इससे आगे हम पुट करते हैं वैल्यूज। अब ए की जगह ए की वैल्यू फोर माइनस फोर प्लस सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू माइनस फोर प्लस टू, बी की जगह बी की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू, यहाँ पे सी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन उसी तरह, एंड फोर डी की जगह डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स। और जो आगे मैट्रिक्स है उसको भी लिखता हूँ, थ्री टू डी की जगह डी की वैल्यू आ जाएगी, तो फोर माइनस फोर है जीरो बचेगा, ये टू कट जाएंगे, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन होता है, फोर में से वन जाएगा तो थ्री आ जाएगा, फोर थ्री जब ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सिक्स माइनस हो रहे हैं तो सिक्स बचेगा जीरो माइनस सेवन, थ्री टू थ्री जाओ सिक्स। तो देखें दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए हैं, तो हमने यानी कि जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो सही आई हैं, जो पुट करने के बाद दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गई, तो ए बी और सी की वैल्यूज ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2, तो एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, जिसको अगर ये वाली डेफिनेशन कर ली तो एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके तकरीबन आधे से ज्यादा क्वेश्चन इन डेफिनेशनों पे बेस करते हैं। तो सबसे पहले इन डेफिनेशनों को देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कह रही, तो डेफिनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक या ऐसी मैट्रिक्स जिनमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कितार हो, रो को उर्दू में कितार कहते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कितार हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू वन टू थ्री। अब देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास वन टू थ्री एक ही रो है, तो ये हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जैसे कि हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा एक रो होती है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रो बेशक जितनी मर्जी हो एक कॉलम हो तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू वन टू थ्री। अब देखें इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसको कहेंगे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब चलते हैं तीसरी डेफिनेशन की तरफ। तीसरी डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्क्वायर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, ठीक है, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को बेहतर समझ आ जाएगा। ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए इसकी दो रोज हैं और तीन कॉलम, यानी कि टू रोज थ्री कॉलम्स। तो जैसे कि दो और तीन इक्वल नहीं है, रोज डज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें
रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं नंबर फोर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, मीन्स के रोज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसकी लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसमें दो रोज दो कॉलम है, टू रोज टू कॉलम, तो इसका मतलब कॉलम और रोज आपस में इक्वल है, या नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर फाइव, नल मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है जी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो, यानी कि सारे अरकान सिफर हों, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, तो 0, 0 वाली जो भी मैट्रिक्स होगी उसको कहेंगे हम नल या जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल से करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और इंटरचेंजिंग कॉलम इनटू रोज, यानी कॉलम को रोज में चेंज कर देना या रोज को कॉलम में चेंज कर देना, ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम ये लिखेंगे, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद एग्जांपल से आप लोगों को ये मैं समझाता हूँ, एग्जांपल से आप लोग बिल्कुल इसको समझ जाओगे कि ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। एग्जांपल है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब इसका क्या लेते हैं हम ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया था ट्रांसपोज को टी से शो करते हैं, ए के ऊपर मैंने टी लिखा, अब इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये इस तरह रो में लिखा हुआ है, इसको किस में चेंज कर लेना है कॉलम में, ये रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख लूंगा 1, 2, 3, कॉलम में चेंज हो गया तो ये इसका ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके, बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये इस तरह रो है इसको कॉलम में लिख लिया, ये इस तरह रो है इसको कॉलम में लिख लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। तो उम्मीद करता हूं कि ट्रांसपोज आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब ये क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज दोबारा से ए के इक्वल आ जाए उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज दोबारा से ए के इक्वल आ जाए उसको कहेंगे जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिमेट्रिक के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1, 0, 0, 1, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में कर देता हूँ 1, 0, ये सर रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में कर देता हूँ
1 0। अब देखें ए का ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोबारा से वही चीज आ गई है, ए के इक्वल आ गई, तो इसको कहेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ पॉइंट आउट करना है कि ये कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो उनको पढ़ के हमें पता चल गया होगा कि कौन सी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, और वो या तो रेक्टेंगुलर स्क्वेयर है, डायगोनल मैट्रिक्स है, या जो भी है, वहाँ पर सर हमने लिखना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमने ये बताना है कि इसका नेगेटिव फाइंड करें। तो नेगेटिव देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 माइनस 1। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 0 प्लस 1, साइन चेंज हो गया। तो अपने याद रखना है कि नेगेटिव में क्या होगा कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके साइन चेंज करते हैं, साइन को चेंज करने से हमारे पास उसका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपने सिर्फ क्या करना है, जस्ट माइनस को प्लस कर देना और प्लस को माइनस कर देना। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करना है, एक क्वेश्चन है इसका 0 1 माइनस 2। दो पार्ट करते हैं इसके, बी पार्ट है 1 2 2 माइनस 1 3 0। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज जब भी लेते हैं तो उसके ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं। तो जैसे मैंने बताया है अगर कॉलम में लिखा हो तो उसको रो में लिख लेना है, तो 1 0 1 माइनस 2, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका भी करते हैं बी का ट्रांसपोज, तो ये इस तरह लिखा हुआ है इसको कॉलम में कर लूंगा, ये इस तरह लिखा हुआ है इसको कॉलम में कर लूंगा, ये इस तरह लिखा हुआ है इसको कॉलम में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्या करना है ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में चेंज कर देना, अगर कॉलम को रोज में चेंज कर देना तो ऐसे ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके 2-3 पार्ट्स रह गए हैं तो आपने सिर्फ क्या करना है कॉलम को रो में चेंज कर लें। तो चलते हैं आप इसके 1.2 के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, और हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए का 2 दफा ट्रांसपोज हो तो वो दोबारा से ए के इक्वल आ जाए। तो लेते हैं ट्रांसपोज, पहली दफा इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आ जाएगा ये इस तरह लिखा हुआ है इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये इस तरह लिखा हुआ है इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसी का दोबारा से ट्रांसपोज लेता हूँ, ये इस तरह लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लूंगा, ये इस तरह लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लूंगा। तो देखिये ये वाली मैट्रिक्स दोबारा से ए के इक्वल आ गया, तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि ए का डबल ट्रांसपोज हो तो वो दोबारा से ए के इक्वल आ जाए। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो बी का डबल ट्रांसपोज लेना है, वो दोबारा से बी के इक्वल आएगा, तो बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, बी का 2 दफा ट्रांसपोज हो गया तो वो बी के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.2 में, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी नई वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।